नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आगामी 23 फरवरी को भीम आर्मी ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, उसको लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज़ हो चुकी है। विपक्षी जितना खेमा है वो तो पहले से ही इस भारत बंद को समर्थन दे ही रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से चिट्ठी जारी करके समर्थन दिया गया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से चिट्ठी जारी किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और चिट्ठी में साफ साफ ये बताया गया है, ये लिखा गया है, तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते होंगे कि भीम आर्मी एवं अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 23 फरवरी को जिन उद्देश्यों के लिए भारत बंद किया गया है, राष्ट्रीय जनता दल उन उद्देश्यों के साथ है तथा भारत बंद का समर्थन करता है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यकर्ताओं को भारत बंद में शामिल होने का निर्देश दिया है। ये चिट्ठी जो दो वीरचंद पटेल पद से जारी कर दी गई है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस से जारी कर दी गई है, इसके बाद कहीं ना कहीं सियासी पारा जो है वो चढ़ चुका है। जितना मांझी की पार्टी हो या फिर रालोसपा हो, इन दोनों ने तो पहले से समर्थन किया ही है। वीआईपी पार्टी भी इसके समर्थन में है। कहीं ना कहीं पूरा जो महागठबंधन खेमा है वो इसके समर्थन में है। देखने वाली बात यह है कि जो मुद्दा उठाया गया है भीम आर्मी की तरफ से, उस मुद्दे पर सत्ता पक्ष जो है वो कब तक सुनवाई करेगा। हालांकि बातें बहुत सारी सामने निकल के आती हैं, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि 23 फरवरी को ही आरजेडी का एक बड़ा प्रोग्राम होना है पटना के वेटनरी मैदान में, जिसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंचे थे, तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे। 23 फरवरी को बेरोजगारी हटाओ यात्रा की भी शुरुआत करनी है, जिसे तेजस्वी यादव उस रथ को लेकर रवाना होंगे, युवा क्रांति रथ नाम दिया गया है, उस बस को लेकर रवाना होंगे, पूरे बिहार की युवाओं से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत बंद का आह्वान किया गया है भीम आर्मी की तरफ से। आपको पता है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये कि प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं पूरा भारत बंद बुलाया गया है भीम आर्मी की तरफ से। और देखने वाली बात यह है कि अब राष्ट्रीय जनता दल ने जब इस बड़े मुद्दे को लपका है, इसमें हामी भरी है, तो क्या पूरा का पूरा महागठबंधन खेमा उस दिन पटना में दिखेगा, बिहार में दिखेगा? बिहार बंद भी होगा जब भारत बंद की बातें हो रही हैं, तो बिहार में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। 23 फरवरी को बेरोजगारी हटाओ यात्रा की भी शुरुआत करनी है, रविवार का दिन है। हालांकि देखने वाली बातें ये होंगी कि कितनी भीड़ जुटती है पटना के वेटनरी ग्राउंड में, और सड़कों का क्या हाल रहता है वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। चिट्ठी जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जारी की गई है, ये कहीं ना कहीं गवाह दे रही है कि आगामी 23 फरवरी को बिहार भी एक नई इबादत लिखेगा। बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत भी होगी, और भारत बंद में जो नेता सड़क पर उतरेंगे वो क्या क्या बयान देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।